नारद जी को दो उपहार दिए, एक खड़ताल दूसरी वीणा। कहा नारद जी इन दोनों को आप धारण कीजिए, यत्र तत्र यहाँ वहाँ भ्रमण कीजिए और अनेकों जीवों को मेरी ओर लेकर के आने का भाव आप ही करें, ये सेवा आपकी है। मेरे नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के यत्र तत्र निवास कीजिए और भक्तों को जीवों को मुझसे जुड़ने का प्रयास करें, आज से आपकी यही सेवा है। तो नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य होकर के तब से लेकर के आज तक भी, आप ये मत सोचो कि ध्रुव प्रहलाद को ही नारद जी लेकर के गए, आप भी उस लाइन में आ सकते हो, आप भी उस पंक्ति में शामिल हो सकते हो। नारद जी आपको भी लेकर के जाएंगे भगवान की ओर, लेकिन थोड़ा सा कार्य देखो आपको भी करना होगा ना। सब कुछ संतों के ऊपर छोड़ देना ठीक नहीं है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना ठीक नहीं है। आप और हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं भगवान पर, यहाँ तक कि कथा पर भी आपको बुलाया जाता है तो बहुत से लोग कहते हैं भगवान की इच्छा होगी तो हम जरूर पहुंचेंगे। अरे भैया भगवान की इच्छा तो है ही, भगवान क्यों मना करेंगे आप? आपको कथा का संदेश मिल गया तो यही तो भगवान की इच्छा है, यही तो भगवान का बुलावा है, यही तो भगवान का निमंत्रण है, और कौन सा निमंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं आप? लेकिन नहीं, अपने बहाना हम बना करके रखते हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तो हम जरूर पहुंचेंगे। अरे भगवान ने तो बुला ही लिया है, भगवान की कृपा सदगुरु की कृपा तो हो गई भैया, लेकिन अपनी कृपा अभी तक नहीं हो पा रही, ये कृपा की बहुत कमी रहती है। निज कृपा, प्रभु कृपा गुरु कृपा भी तभी फलीभूत होगी जब निज कृपा हम अपने आप पर करेंगे, जब उस कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी हम अपने आप को बनाएंगे तभी वो कृपा फलीभूत होगी। सतगुरु देव तो वचन देंगे ही, वो वचनों का पालन जब तक आप नहीं करोगे तो उनके वे वचन भी निरर्थक ही हो जाएंगे, ये सत्संग भी निरर्थक ही हो जाएगा। उन वचनों का मान आप रखोगे, उन वचनों को आप स्वीकार करोगे, उन पर अपने जीवन को चलाओगे, यही तो आपकी पूर्णता सिद्ध होगी, यही तो आप सिद्ध हो पाओगे। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, सदगुरु बुलाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया सदगुरु को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है,